हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफाई के बारे में। सो शुरू करते हैं। 2011 में टेड ग्लोबल टॉक हुई थी इंडरबर्ग में, तब हराल्ड हास इन्होंने ये आइडिया दी थी लाइफाई के बारे में। और लाइफाई यानी लाइट फिडेलिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। लाइफाई ये टेक्नोलॉजी डिराइव हुई है ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन से, यानी OWC टेक्नोलॉजी से। इस टेक्नोलॉजी में LED एज ए मीडियम यूज़ करते हैं डाटा डिलीवरी के लिए, और ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन देता है। टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिव एरियाज में यूज़ होती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैबिनेट्स, हॉस्पिटल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। लाइफाई कैसे काम करता है, देखिए दोस्तों, इसे समझने के लिए हम पहले समझ लेते कि डाटा ट्रांसमिट किया कैसे जाता है। डाटा जो है वो कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी लैंग्वेज में, यानी 0 और 1 के फॉर्म में। वाईफाई ये डाटा यानी 0 और 1 ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू सेंड करता है रिसीवर डिवाइस को, लेकिन लाइफाई में लाइट फ्लिकर करती है, 0 रहा तब ऑफ और 1 रहा तब ऑन। और ये लाइट की फ्लिकरिंग होती है 1 सेकंड में लाखों बार, जो हमारी आंखें नोटिस नहीं कर पाती। अभी इस टेक्नोलॉजी का फ़िलहाल काफ़ी कम यूज़ हो रहा है दुनिया में, लेकिन जब इसका यूज़ होगा तब इसमें ये सब पार्ट्स, ये सब कंपोनेंट होंगे। इंटरनेट, जिससे हम डाटा कलेक्ट करेंगे जो भी हमें सर्च करना है, और वो डाटा दिया जाएगा स्ट्रीमिंग कंटेंट। ये जो है ये कंपार्टमेंट यानी ये ब्लॉक, इसमें वो डाटा 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और दिया जाएगा लैम्प को। और उसी डाटा यानी 0 और 1 ऑन ऑफ के सिचुएशन में, उस कंडीशन में वो लैम्प फ्लिकर करेगा 1 सेकंड में लाखों बार या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उसकी स्पीड पे। और वो डाटा कलेक्ट होगा लाइट के थ्रू फोटो डिटेक्टर में, और उसमें एम्प्लीफिकेशन और प्रोसेस होगा। और ये सिस्टम डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर, रिसीवर ऐप डाटा और एम्प्लीफिकेशन एंड प्रोसेसिंग, ये होगा एक डोंगल में, और वो डोंगल कनेक्ट होगा हमारे PC से, जिससे हम वो डाटा देख पाएंगे। लाइफाई की स्पीड के बारे में बात करेंगे तो अप्रैल 2014 में रशियन कंपनी स्टिंस कॉमन, इन्होंने एक मॉडल बनाया था जिसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड थी 1.25 GB पर सेकंड। और इसी साल मेक्सिकन कंपनी सीसॉफ्ट, इसने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने डाटा स्पीड अचीव की थी 10 GB पर सेकंड। हमारे फ़ोन में अभी वाईफाई रिसीव करने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए सिस्टम है, और इन फ्यूचर लाईफाई के लिए भी एक सिस्टम आएगी। कोई भी टेक्नोलॉजी हो दोस्तों, उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। लाईफाई की जो स्पीड रेंज है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छी है वाईफाई से, और ये लाईफाई सिस्टम काफ़ी कम पावर कंज्यूम करती है, और शॉर्ट रेंज ट्रांसफ़र, डाटा ट्रांसफ़र होने की वजह से ये काफ़ी सिक्योर है वाईफाई से। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो कम है, यानी शॉर्ट रेंज है इसकी, और ये डाटा लाइट के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। अगर हमारे रिसीवर और ट्रांसमीटर में अगर कुछ ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये डाटा कनेक्टिविटी चली जाएगी। और इसके कनेक्टिविटी के लिए हमें हर जगह LED बल्ब लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ही हम डाटा रिसीव कर पाएंगे। इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एट होम।